हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रुतबा खान किचन। फ्रेंड्स, अगर आप रात में सादा खाना खाकर हो गए हैं बोर, तो बनाए ये उबले हुए आलू और साबूदाना से बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता। तो हम ले लेंगे यहाँ 4 बॉईल किए हुए आलू और इसको कर लेंगे हम मैश। तो हमने यहाँ आलूओं को मैश कर लिया है और इसमें ऐड करेंगे हम साबूदाना। हमने साबूदाना 1 कप लिया है और इसको 1 घंटे पहले भिगा कर रख दिया था। और इसमें डालेंगे हम 4 हरी मिर्च कट की हुई और हरे धनिया डाल देंगे 1 कटोरी और 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर। और हम इसमें व्रत वाला नमक यूज़ करेंगे, सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। वो अच्छे से मिक्स करना है हम। तो ये देखिए, हमने इस तरह से इसे मिक्स कर लिया है। और अब रख लेंगे हम एक पैन और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, लगभग 2 चम्मच, और इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे से तवे पर। और हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर इसका एक ये पैनकेक की तरह बनाएंगे इस तरह से। और इसी में हम दूसरा बना लेंगे, 2-2 कर कर बनाएंगे, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप एक बार बनाएं ज़रूर और ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे। पहले एक साइड से हम इसको अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको पलट देंगे तो ये देखिए नीचे से कितना क्रिस्पी और अच्छा सिका है। दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छा से सेक लेंगे इसी तरह, और थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। तो ये देखिए, हमारे दोनों पैनकेक बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हम और बना लेंगे। तो यहाँ हमारे सभी पैनकेक बनकर तैयार हो गए हैं, तो हम इसे सर्व कर लेंगे टोमेटो सॉस के साथ। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।